हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका पोको M3 का स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है वह अपने आप ऑफ क्यों नहीं हो रहा। आपके फ़ोन में जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर आप अपने फ़ोन को ऐसे ही ऑन करके स्क्रीन को ऐसे ही ऑन करके छोड़ देते हो, फिर आपका फ़ोन का स्क्रीन अपने आप ऑफ क्यों नहीं होता है। आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो? यदि आपका फ़ोन ऐसे ही जलता रहता है तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी YouTube वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो कैसे गाइज आप इसको ठीक कर सकते हो? सबसे पहले आपको पोको M3 के फ़ोन में सेटिंग्स ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ऐप को खोल लेने के बाद तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्लिप का ऑप्शन, आपको यहाँ पर स्लिप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक समय मिल जाएगा जिस समय के बाद आपका फ़ोन का स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो समय को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन होगा सिलेक्ट किया हुआ, तो इसको यदि आपने सिलेक्ट किए हो तो आपका फ़ोन का स्क्रीन अपने आप ऑफ नहीं होगा। आपको इनमें से किसी एक समय को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपका फ़ोन का स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक समय सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स, इस प्रकार से आप एक समय को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 15 सेकेंड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 15 सेकेंड्स के बाद मेरा फ़ोन का स्क्रीन जो है वह अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फ़ोन का स्क्रीन ऑफ हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफ हो चुका है अपने आप ही। तो 15 सेकंड्स के बाद ये ऑफ हो गया। इस प्रकार से आप समय को सिलेक्ट कर सकते हो, जितने समय के बाद आपका फ़ोन का स्क्रीन आप ऑफ करना चाहते हो उस समय को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आ गया है। चलिए गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।